पास्ट में हमने बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में से एक हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वायरस का, कंप्यूटर क्या पहले वायरस बनाने का। 85-86 में दुनिया का पहला वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस के ऊपर और पीसी कंपैटिबल पे बनाया गया वो हम लोगों ने बनाया। हमारे जहन में आया कि तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, डॉस में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई यूजर नेम पासवर्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं थी होती, वो इंटरनेट से नहीं था कनेक्टेड होता, इसलिए लोगों का ख्याल था कि ये सिक्योर है, मेरे पास यहाँ चल रहा है। लेकिन किसी के जहन में ये कभी नहीं आया कि फ्लॉपीज एक्सचेंज होती हैं, डेटा एक्सचेंज करने का ठीक है ऑनलाइन तरीका नहीं है। लेकिन वो हमारे जहन में एक ऐसे ही जहन में आया कि यार ये तो डेटा एक्सचेंज होता है, अब मीडियम यूज करते हैं फ्लॉपी एज ए मीडियम यूज करते हैं, तो हम इसके अंदर क्यों ना ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। वो फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी सीरियस हो गया, तो वाकई एक इस फॉर्म में एक कोड हमने लिख लिया जो कि एक वायरस की तरह एक्ट करती थी, और बिल्कुल उसके उसको बड़े केयरफुली लिखा गया था और बड़ी इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लिखा गया था, किसी का नुकसान मकसूद नहीं था, इसीलिए हमने उसमें अपना नाम भी डाल दिया। हाँ, इतना को ऑब्जेक्टिव जरूर था कि हमें पता लगे कि ये फ्लॉपीज लोग अगर लेते हैं यूज करते हैं या फिर प्रोग्राम करते हैं तो वो कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाई, उसको क्वेटा में किसी एनजीओ का कोई हॉस्पिटल था, तो उनको कुछ वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करने थे वहाँ पे पेशेंट्स के, तो उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दी, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया और बताया गया कि ये तुम सॉफ्टवेयर किसी और को मत शेयर करना और ना हमें पता लग जाएगा। अभी तक मेरा शक वही है कि वहीं से वो ज्यादा स्प्रेड हुआ, कि बाहर से आया होगा या उन्होंने कोई बाहर डेटा किसी ने लिया होगा, वहां से एक बाहर चला गया वो वायरस। हम तो ये लगा के उसको उसमें उसको उसको दे दिया हम रूटीन के काम में था, क्योंकि हमारा कोई ये कोई मेन कोर ऑब्जेक्टिव तो वायरस था नहीं। तो रात मिडनाइट कोई दो दो तीन बजे के करीब वो फोन रिंग किया हमारा, तो वो कहता है कि कहती है कि नहीं मैं एक फ्लॉपी में मैसेज है तुम्हारा ये वेलकम टू द डंजन, और ये फिर मुझे कहती है कि मैं ना तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। उसने फिर मेरा इंटरव्यू किया, वहाँ से ये बात जो है ना वो ज़्यादा पब्लिक हुई। फिर मुझे कॉल आई उसकी टाइम मैगजीन वाली, टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी थी 88, उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था कि ये एक बड़ा बड़ा स्मार्टली प्रोग्राम लिखा गया हुआ है, तो काम तो अच्छा नहीं किया इन्होंने लेकिन बड़ी इंटेलिजेंस है इसके अंदर, बड़ी इंटेलिजेंटली किया गया, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर मुझे और भी पाकिस्तानी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने फिर रब्ता किया उस वक्त। हमारे वायरस का जो जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक तो ये था कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि कहाँ ये स्प्रेड कैसे होता है, दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था वो ये देखना था कि ये प्रूफ करना था कि उस वक्त का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस और जो पर्सनल कंप्यूटिंग का एक प्लेटफॉर्म बड़ी तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा था और बड़ी सीरियस यूज में आ रहा था, गवर्नमेंट्स यूज कर रही थी, डिफेंस में यूज होना शुरू हो गया था, कमर्शियल यूज हो रहा था, तो वो बहुत इनसिक्योर था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रूव करें या आइडेंटिफाई करें कि इतना सिक्योर नहीं है, ये बड़ा अनप्रोटेक्टेड सा है, इसकी सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को समझ लें, हमने माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा बूस्ट दिया इसमें कि वो अपनी डेवलपमेंट और फीचर लिस्ट में और फीचर एडिशन में जो उसकी सिक्योरिटी को और इस एस्पेक्ट को भी ऐड कर लें, तो ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा किया इस वायरस ने।